हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद रिशा। एंड ये मेरा अलीबाग सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 वीडियो। इस वक्त हमें अलीबाग बीच के बाजू में, और ये जो प्लेस है ये छोटा सा गार्डन है अलीबाग में, अलीबाग बीच के बाजू में ही है। तो इस प्लेस की खासियत ये है कि ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अलीबाग बीच पर सिर्फ सेम डे आके रिटर्न जाना चाहते हो, यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते, सिर्फ बीच पे आना चाहते, बीच पे एंजॉय करना चाहते। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो बीच के एकदम बाजू में ही है, अलीबाग बीच के बाजू में, यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आप यहाँ पे फ्रेशन अप हो सकते हो, और यहाँ पे आप के लिए चेंजिंग की फैसिलिटीज़ भी, कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बीच में जाते हो और वहाँ पे अगर आपके कपड़े वगैरह गीले होते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि बाबा फिर हम क्या करें। तो यहाँ पर आप आके अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सके, मतलब आप सेम डे आके बीच पे एंजॉय करके जा सकते हो, आपको होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फैसिलिटी यहाँ पे है। तो चलिए अभी चलते हैं अलीबाग बीच की ओर। अलीबाग बीच पे काफ़ी हाई टाइट था, जिसका मतलब ये है कि आप बीच के किनारे रह के एंजॉय नहीं कर सकते हो। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम बोट लेके जाते हैं कुलावा फोर्ट। सो ये बोट ली हमने, जिसका हमने पे किया 200 की राइड के बाद हम पहुंच चुके कुलावा फोर्ट। 10 मिनट्स की ये राइड थी, और इसकी जो चार्जेस है वो 200 रुपीज़ है पर पर्सन, जिसमें आपको ये ड्रॉप करते हैं और यहाँ से पिक भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छी राइड थी। तो अभी मिलते हैं कुलावा फोर्ट के अंदर। सो गाइस, इस बोट से उतर चुके हम अभी, और अभी हम एंटर करने वाले कुलावा फोर्ट। तो ये कुलावा फोर्ट का एंट्रेंस है, एंट्री गेट यहीं से। और यहाँ की जो, यहाँ अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है जो 25 रुपीज़ है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ है पर पर्सन। किड्स बिलो 5 ईयर्स के लिए कोई टिकट नहीं है। और ये देख सकते हो ये फोर्ट का एंट्रेंस है, और ये लेफ्ट साइड का एरिया है, यहाँ पर भी आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो, और बोट आपकी यहाँ तक आती है। तो अभी एक्चुअली ये हाई टाइट है, आफ्टरनून के टाइम पे हाई टाइड होती है तो आपको बोट से आना पड़ता है, बट इवनिंग में आप बाय वॉक भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक पानी नहीं होता उस वक्त, तो आप बाय वॉक भी आ सकते हो। तो चलिए चलते फोर्ट के अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। तो हम एंटर कर चुके हैं कुलावा फोर्ट में, और फोर्ट के अंदर आ चुके अभी। तो जैसे आप एंट्री करते हो फोर्ट के अंदर, आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है। दिशा इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम जाते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं। इधर राइट साइड में एक मंदिर भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे भवानी माता का मंदिर भी है, काफ़ी क्लीन मंदिर है, सो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और यहाँ से दर्शन लेके हम अभी फोर्ट के लिए जाएंगे। दिशा बोल रही है उसको टीका लगाना है, मंदिर में आइए तो टीका लगाना ज़रूरी है। भवानी माता का दर्शन लेने के बाद अब हम फोर्ट के ऊपर के डायरेक्शन में चढ़ रहे हैं, और ये यहाँ से आप नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल है। हम वहाँ से आए थे, सामने जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही है वो अलीबाग बीच है, वहाँ से हम बोट पकड़ के यहाँ आए। बोट यहाँ पर नीचे आती है, और यहाँ पर एंट्री गेट है, और एंट्री गेट करने के सीधा आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो लेफ्ट साइड में भवानी माता का मंदिर है, और यहाँ से ऊपर आने का स्टेयर गेस है। वेरी गुड। चलो तो फोर्ट के बीचों बीच में, कुलावा फोर्ट के बीचों बीच में एक छोटा सा कुंड भी है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से मे बी ये उस वक्त पानी का रिजर्वियर होगा, जो या पानी यहाँ पे बचा के लोग रखते होंगे यूज़ करने के लिए, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये अभी भी है,
पानी है इसमें अभी भी, मेरे ख्याल से ये बारिश का पानी होगा। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं जो इसकी देखभाल करते हैं वो इस पानी को उनकी उनके लिए यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं कुलाबा फोर्ट के एकदम कॉर्नर के पॉइंट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कुलाबा फोर्ट एंड होता है। और यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा अरेबियन सी है, और मेरे इस तरफ पीछे के साइड, इस तरफ लेफ्ट साइड में नागाव बीच, काशीद बीच, रेवडांडा फोर्ट वगैरह आता है। और मेरे इस तरफ पूरा अरेबियन सी है, और मैं आपको दूसरा भी बताता हूँ, इस तरफ आता है मुंबई। सो यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है, यहाँ पे आपको एक बार आना ही चाहिए और आप बहुत इन्जॉय करोगे। और अभी यहाँ पे बज रहे दोपहर के 2, बट धूप बिल्कुल नहीं लग रही है, मतलब कड़क धूप नहीं लग रही है, धूप है बट ऐसा नहीं कि अभी आप यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे आप घूम नहीं सकते हो, काफ़ी अच्छे से घूम सकते हो और इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी ये फ़िलहाल कोविड के वजह से बंद था, तो कल से ही स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से, आज 2 फरवरी है, तो इसके लिए ज़्यादा पब्लिक आई नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। और ये मैं व्यू बताता हूँ आपको मेरे पीछे का, इस फोर्ट के बीच में, बीचों बीच में अंदर एक बहुत ही प्यारा गणेश जी का मंदिर भी है और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है। तो ओवरऑल मैंने इस फोर्ट में एक चीज़ देखी है कि ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साफ सुथरा है और इसे काफ़ी मेंटेन किया गया है। मैं यही उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से साफ सुथरा रहे, यहाँ पे जो भी लोग आए वो यहाँ पे गंदगी ना करे, अभी तक तो साफ है, आई होप सो ये ऐसा ही बरकरार रहेगा। तो इस वक्त हम अलीबाग बीच के बाजू में, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, मतलब जहाँ पे आप स्ट्रीट फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हो। तो हम इस वक्त अलीबाग में आइसक्रीम खा रहे, दृशा आइसक्रीम ले चुके हैं, दृशा आइसक्रीम खा रही है, और हम लोग फालूदा ट्राई करने वाले हैं। तो ये बीच के एकदम बाजू में ही है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी सारे शॉप्स है, और ये फालूदा आ चुका है। अभी 2 भुक्कड़ लोग, एक जन फालूदा खा रहा है और एक छोटी भुक्कड़ आइसक्रीम खा रही है। दृशा को समझ गया है कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, पड़ेल दृशा को पता चल गया कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, सो गुस्सा है, लेकिन वो आइसक्रीम के छोड़ने वाली है नहीं। आले, आले, आले। हाताकडे बघ, कुठे गेले बघ, कुठे गेले बघ, रन चल मम्मीच्या हाताकडे बघ, बघ आता तुला। सो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं नागाव बीच, अलीबाग बीच के बाद हम नागाव बीच आ चुके हैं। और इस वक्त अभी 5:30 बज रहे, तो बहुत ही अच्छा क्लाइमेट लग रहा है, धूप है बट एट द सेम टाइम अच्छी हवा भी चल रही है, ठंडी हवा, और यहाँ पे ठीक ठाक क्राउड भी है, इवन तो आज वर्किंग डे है
बट आई गेस इवनिंग हो चुकी है तो काफ़ी सारे लोग आ गए। तो यहाँ पे बीच में मैंने एक चीज़ यूनिक चीज़ देखी है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी आती है, फोर व्हीलर वगैरह एक यहाँ पे खड़ी है, एक उस वक्त भी उस जगह पे भी खड़ी है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बीच की ओर है, पानी में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हो, हॉर्स राइड कर सकते हो, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। और फिलहाल लो टाइड है तो पानी भी काफ़ी आगे जा चुका है, क्योंकि आपने जो अलीबाग का वीडियो देखा रहेगा उसमें पानी काफ़ी नज़दीक था, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सिर्फ हम लोग कुलाबा फोर्ट गए थे। तो ये है नागांव बीच का नज़ारा, अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ नागांव बीच में, बीच की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं पानी के अंदर, कुछ लोग सेल्फीज निकाल रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह वाटर एक्टिविटीज़ भी चालू है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप हॉर्स राइड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कैमल राइड कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और हम लोग एकदम राइट टाइम पर आए, अभी थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। तो इस तरफ जो है वो कुलाबा फोर्ट है, मतलब अलीबाग बीच है वहाँ पे, और जो इस तरफ है लेफ्ट साइड में ये रेवडांडा फोर्ट वगैरह, मतलब रेवडांडा बीच वगैरह, और यहीं से आगे मुरुड बीच भी है। सो यहाँ पे दृशा और अलमेल रेत में कुछ तो भी बना रहे, मैं उनको पूछता हूँ क्या बना रहे, काय बनवता तुम्ही लोग, दृशु तू काय बनवते, थांब ना दृशूला सांगू दे ना, दृशू तू काय बनवते बेटा, आइसक्रीम, वाव। सो दृशा मेरे लिए एक हेल्दी आइसक्रीम बना रही है, रेती का आइसक्रीम, वाव, ग्रीन कलर आइसक्रीम, हाँ ज़्यादा कड़क हो गया लगता, फ्रिज में डाल के ज़्यादा कड़क हो गया, डीप फ्रीजर में रखा था। दृश्यू तू माया सटी काय बनवते बेटा, आइसक्रीम, अच्छा अच्छा चॉकलेट आइसक्रीम, हाँ कलर तो सेम है, हाँ सेम कलर है ना, हाँ। सो दो चॉकलेट एक्सपर्ट मिलके मेरे लिए रेती का चॉकलेट बना रहे हैं, और दृशा काउंट कर रही है कितना सारा बना है, कितनी बनवल तू आतापर्यंत, पाँच बनवल है। तो दृशा मशीन से भी एकदम फास्ट है, अभी उसने 10-15 मिनट में 5 आइसक्रीम बना दिए, रेडी हो गए। दृशु आई नीड आइसक्रीम, आई डोंट हैव मनी, दृशु आई डोंट हैव मनी, ओ नो मनी नो चॉकलेट आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बहुत महंगा है, मैं खा नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं, इनके आइसक्रीम इतने महंगे कि कौन खाएगा, फ्री में भी कोई नहीं खाएगा। सो दृशु बीच की ओर भाग रही है, आज बहुत एक्साइटेड है वो, उसको आज खेलने को मिल रहा है, बट पानी के इधर जाके शायद से रुक जाएगी वो। दृशु को बहुत मजा आ रहा है, भाग रही है पानी की तरफ। दृश्यू तू पानी मध्ये बसणार आता, मेरे को बोल रही चुप बैठ डिस्टर्ब मत कर, ए दृश्यू तू पानी मध्ये बसणार आता, ओके। फुल स्टाइल में चल रही है, फुल स्टाइल में। दृश्या कुठे जाते तू, पाण्यामध्ये जाते, मी येऊ, थँक यू। आ गा। सो अभी इस वक्त हम आ चुके हैं पानी में, बिल्कुल अंदर आ चुके, और दृशा अभी बहुत इन्जॉय कर रही है पानी में, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। दृशा तू बसू पण शकते पाण्यामध्ये, हाँ मम्मी बस तू पण,
मोबाइल ना है ना। ओहो वाव, सो दृश्या को पानी ठंडा ठंडा लग रहा है और दृश्या खुश है, एकदम खुश है। और एक्चुअल में देखा तो दृश्या ने अभी बीच एंजॉय किया है, अभी उसको थोड़ा ठंडा लग रहा है पानी, बट बहुत मज़ा आ रहा है उसको। तो असल में अभी एंजॉय कर रहे हैं लोग बीच के ऊपर, क्योंकि अलीबाग बीच के ऊपर काफ़ी हाइट टाइट होने की वजह से कोई भी पानी में उतर नहीं पा रहा था, बट इधर लो टाइट है, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं तब जाके हम लोग को पानी मिला है। और उसको अभी पानी में और चलना है। तुला साले से तो अभी अलमेल अभी बीच पे एंजॉय करने के बाद अब वो कुछ वाटर एक्टिविटी कर रही है, तो फिलहाल वो करने जा रही है बनाना राइड। और एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि सनसेट भी होने वाला है, तो ये यहाँ की लास्ट राइड है आज की इवनिंग की। आया ना ये थे पर ये थे राड़ा जाना है। तो दृश्या को बुरा लग रहा है, उसको भी जाना था बट छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है, और मुझे भी जाने का बड़ा मन था बट किसी ना किसी को दृश्या के साथ रुकना पड़ेगा, या तो अलमेल को रुकना पड़ता है या तो मुझे, तो मैंने सोचा मैं रुक जाता हूँ। बग मम्मी पर कुटे गली बग फिरायला तुला सोडून बगितली। तो जो लोग बनाना राइड में गए थे अलमेल के साथ, सबको पानी में गिरा दिया गया है पर्पसली, और उनकी बनाना राइड कॉर्नर पे आ चुकी है, और उनको अभी एक एक करके वहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने सभी लोगों ने लाइव जैकेट पहना था, तो इसके लिए उनको पर्पसली गिराया गया पानी में, क्योंकि जैकेट में डूबते नहीं हैं, और वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा गहराई भी नहीं है। लोग चल के भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, अलमेल भी चल के आ रही है। तो बनाना राइड में, बनाना राइड से गिरने के बाद अब अलमेल चल के आ चुकी है, और अलमेल के साथ काफ़ी सारे लोग चल के आ गए। मम्मीला पाडल होता पानी मध्ये, मजा आया? डर लगा क्या? तो अच्छा हो मैं गया नहीं, शायद हो सकता शायद मैं जाता तो थोड़ा डर जाता था और इसको चार गालियां भी देता ये बंदे को, बट और काफ़ी सारे लोग तो अभी भी चल चल कह रहे हो, क्या वो लोग रास्ता भूल गए थे क्या पता नहीं, बट गिरे तो सब एक साथ थे। सो गाइज, नागांव में कल रात को हम जिस प्रॉपर्टी पे रुके थे उसका नाम है बल्लारेश्वर कॉटेज। सो बेसिकली ये एक होम स्टे, और होम स्टे का भी एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना ही चार्म होता है, और यहाँ ये काफ़ी चीप भी है, काफ़ी सस्ता भी है। यहाँ पे रूम के लिए मैंने पे किया 1200 रुपीज़। आइए अब आपको मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे क्यों अच्छी लगी। तो जैसे जब ये प्रॉपर्टी में आप एंटर करते हो तो ये लेफ्ट साइड में आपको पूरे रूम्स दिख रहे हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी रूम है। रूम काफ़ी छोटे हैं बट तीन जन के लिए काफ़ी है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे राइट साइड में डाइनिंग एरिया है जहाँ पे आप डिनर वगैरह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट की भी फैसिलिटी है। आपको थोड़ा सा एडवांस में ऑर्डर देना पड़ता है बिकॉज ये होम स्टे है नॉट एन होटल। और अगर आप ये पीछे के साइड आते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा रिलैक्स करने के लिए एरिया बना के रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे आप इसके ऊपर बैठ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी है यहाँ पे, और ये साथ ही साथ ये पूरे सुपारी के झाड़ है, सुपारी के पेड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत छाँव होती है, आप कभी भी दिन में रिलैक्स करके यहाँ पे बैठ सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए झूले वगैरह भी है, तो जहाँ पे अभी अलमेल और दृश्या एंजॉय कर रही है, दृश्या झूले पे बैठी है। हाय दृश्यु,
सो हम अभी होमस्टे से निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और आप देख सकते हो ये जो प्लेस है मेरे को इसके लिए भी पसंद है क्योंकि काफ़ी शांत वातावरण है, दोनों साइड में बंगलोज है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बहुत ही शांति है। और यहाँ से मेन रोड हार्डली 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। और नागांव बीच की एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे होमस्टे और काफ़ी सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, अगर आप बुकिंग नहीं भी करते हो एडवांस में फिर भी मिल जाएंगे। बट मैं आपको बोलूँगा अगर आप स्पेशली सैटरडे संडे को आ रहे हो तो आपको थोड़ी एडवांस में बुकिंग करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको अच्छे वाले होटल्स नहीं मिलेंगे। सो गाइस इस वक्त हम अक्षी बीच पे आ चुके हैं, तो अक्षी बीच नागांव बीच के काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 2 किलोमीटर्स है और आप वॉक करके भी आ सकते हो। मेरे पीछे ये नागांव बीच है और इस वक्त मैं अक्षी बीच पे हूँ। अर्ली मॉर्निंग 7:30 बज चुके हैं तो ज़्यादा क्राउड नहीं यहाँ पे, कुछ हार्डली कुछ लोग हैं, 10-12 लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं। और मेरे पीछे फ़िशरमैन की बोट्स है काफ़ी सारी जो फिशिंग कर रहे हैं। अच्छा, नागांव अक्षी बीच पे मैंने एक ख़ास चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रिजॉर्ट्स है जो बीच को लग के है और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उनका जो एंट्रेंस मेन रोड से है, बट आप रिजॉर्ट के अंदर से ही वॉक करके आओगे तो डायरेक्ट ऐसी सीढ़ियाँ होती है जो डायरेक्ट आपको बीच की ओर लेके जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। ये मैंने अलीबाग बीच या वर्सोली बीच पे नहीं देखा, बट ये यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रिजॉर्ट है जो मैंने देखे, वहाँ पे भी एक दो ऐसे रिजॉर्ट है जो जिनकी प्रॉपर्टी एकदम बीच को लग के और आप बीच प्रॉपर्टी के अंदर से वॉक करके डायरेक्ट बीच पे आ सकते हो। इसी के साथ हमारा अलीबाग सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 यहीं पर एंड होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको और भी वीडियोस हमारी मिलते रहे रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। थैंक यू सो मच।